तो बात इतनी सी समझना कि बहुत से ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जो इस पृथ्वी पर चले जिए और वो इसी संसार में थे, बावजूद उनके साथ अध्यात्म की वो चीजें हुई। नानक जी कहते थे कि जीवन को जीते हुए ही, संसार में रहते हुए ही परमात्मा के प्रति अगर तुम अपने कर्तव्य निभाओ तो भी वो तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा उसे। तुम अपना उद्देश्य जानते ही नहीं, यही सारी समस्या है। तुमने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या सही लगता। तो सवाल यह है कि संसार और अध्यात्म का एकत्रीकरण कैसे किया जाए। प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या ये अलग है। बुनियादी सवाल तो यही है। इस सवाल का सिंपल इज इक्वल टू अर्थ ये निकलता है कि संसार और अध्यात्म ये तो अलग चीजें हैं। और सवाल तब आता है कि जब तुम्हें कोई बताने वाला हो कि भाई अगर जब तक तुम जीवन से बाहर निकलोगे नहीं तब तक तुम्हें अध्यात्म मिलेगा नहीं। इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में फिट कर दी गई है, इस तरह की चीजें तुम्हें समझाई गई है, बताई गई है, दिन रात इन चीजों का इस्तेमाल तुम्हारे दिमाग पर किया गया है और शायद यही कारण है कि इस तरह की बातों से हमारा पूरा जीवन ग्रसित रहता है। कि हम ये सोचते हैं कि जीवन से कुछ अलग है चीजें, जीवन से कुछ अलग है अध्यात्म। जब तक तुम जीवन को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम आध्यात्मिक नहीं बन पाओगे। इस तरह की बातों से हमने हमेशा यही पाया कि इंसानियत ने खुद के लिए दुश्मन के जैसा काम किया। आध्यात्मिक लोग यही कहेंगे मोर ओवर कि भाई दुनिया को छोड़ो। बहुत से ऐसे संप्रदाय है जो तुम्हें कहेंगे कि जब तक तुम दुनिया को पूरी तरह से छोड़ोगे नहीं, अपने माँ को माँ नहीं समझोगे, पिता को पिता नहीं समझोगे, अपने दोस्तों को दोस्त नहीं समझोगे, सब कुछ त्याग दोगे बाहर के जीवन में, तो ही आध्यात्मिक प्रवास में कुछ हो सकता है। और जाके करोगे क्या, तुम जाके आश्रम में बैठोगे, जाके करोगे क्या तो आश्रम के लोगों के साथ दोस्ती करोगे, जाके करोगे क्या तो आश्रम के लिए काम करोगे, आश्रम को बड़ा करोगे, गुरु के नाम के नीचे हर वो चीज करोगे जो तुम जीवन में रहते हुए करते थे। वहां तुम घर बना रहे थे, यहाँ तुम आश्रम बना रहे हो। यहाँ तुम लोगों के साथ संबंध बना रहे हो, वहां तुम अपने परिवार के साथ बैठे थे। यहाँ तुम गुरु को सुन रहे हो सकता है वहां पे तारक मेहता देख रहे थे सीरियल। चल सब सेम रहा है, लेकिन लगता है कि भाई अपन कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे से ईमानदारी से कहूं तो बात इतनी सी समझना कि बहुत से ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जो इस पृथ्वी पर चले जिए और वो इसी संसार में थे, बावजूद उनके साथ आध्यात्म की वो चीजें हुई जिसके लिए एक सामान्य आदमी, यहां तक कि बड़े से बड़ा गुरु भी तरसता है। बड़े से बड़े गुरु भी या बड़े से बड़े साधक भी परमात्मा के लिए तरसते हैं जो सामान्य जीवन जीने वाले इंसानों को इस दुनिया में मिला है। चाहे तुम तुकाराम कह लो, चाहे तुम नानक जी का नाम ले लो, चाहे तुम कबीर कह लो, ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो जीवन में भी थे। अगर तुम नानक के बारे में बात करो, अगर सिख धर्म की बात करो तो तुम पाओगे कि उनका जो पूरा का पूरा धर्म है वो छोड़ने के विरोध में है। नानक जी कहते थे कि जीवन को जीते हुए ही, संसार में रहते हुए ही परमात्मा के प्रति अगर तुम अपने कर्तव्य निभाओ तो भी वो तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा उसका, वो तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा। और यहां हम हैं जो हम कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो, भगवा डाल लो, नीला डाल लो, व्हाइट डाल लो और निकल पड़ो। कहाँ निकल पड़े? आश्रम में। अगर ये दुनिया मिथ है तो इस मिथ में छोड़ क्या रहे? तो क्या तुम्हारा छोड़ना मिथ नहीं है और आश्रम के लिए काम करना मिथ नहीं? अगर तुम्हारा ये पूरी की पूरी दुनिया, जैसे कि कहा जाता है अध्यात्म में कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो इस दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, चाहे कुछ छोड़ो या पकड़ो, सब कुछ मिथ हुआ। तो फिर अगर तुम इस दुनिया में मंदिर भी बना रहे हो तो क्या वो मिथ नहीं है? किसी मूर्ति की भी पूजा कर रहे हो तो क्या इस दुनिया वो मिथ नहीं है? ये कैसी बात कर रहे हो? अगर ये सब कुछ मिथ है तो फिर कर क्या रहे हो तुम? बताने वाले ने यही बताया ना कि सब कुछ मिथ है, राइट? अगर सब कुछ मिथ है तो फिर छोड़ किसे रहे और पकड़ किसे रहे? ये भी मिथ हुआ, ये भी तो सपने जैसा हुआ, तो फिर किस मंदिर पे चढ़ रहे हो? क्यों मंदिर बना रहे हो? क्यों मूर्तियों की पूजा कर रहे हो? अगर मिथ ही है और जिस भगवान को तुम पूज रहे हो ये कहते हुए कि भगवान ने सब कुछ बनाया, मैं तुमसे पूछता हूं कि मिथ बनाने वाला क्या है? मिथ ही हुआ, बात तो साफ है। तो यहां तुम्हारे सारे के सारे तर्क गिर जाते हैं। संसार और अध्यात्म कोई अलग चीज नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे शरीर का ख्याल रखना भी जरूरी है, पढ़ाई करना भी जरूरी है, बड़े पदों पे या अच्छे तरह से खुद को सेटल डाउन करना भी जरूरी है, जीवन के हर उस वास्तविक अंग से जाना जरूरी है जो सामाजिक समाज ने अपने आसपास निर्मित की है,
और उसी के साथ अपने भीतर में प्रस्तुत होना भी महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपने भीतर से जियो तो तुम पाओगे कि बाहर की चीजें अब तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करती। समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि तब जब तुम अपना जीवन अपने हिसाब से ना जीते हुए लोगों के हिसाब से जीना शुरू करते हो, जब तुम अपने जीवन को सामाजिक रूप से जीना शुरू करते हो, क्योंकि लोगों ने तुमसे कहा कि ये कर लो तो तुमने कर लिया, क्योंकि परिवार वालों ने कहा कि वो कर लो तो तुमने वो कर लिया, क्योंकि सब कर रहे इसलिए तुम कर रहे हो। तुम अपना उद्देश्य जानते ही नहीं, यही सारी समस्या है। तुमने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या सही लगता है। कहीं तुमने वीडियो देख लिए, कहीं किसी को सुन लिया और तुम निकल पड़े करोड़ों कमाने। तुम्हें कमाने भी है, तुम्हें पता भी है कि कैसे कमाना है? नहीं, दो चार मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया और चले पीछे, भागने लगे कि नहीं नहीं कुछ कमा के ही छोड़ेंगे, दुनिया में कुछ कर गुजर जाएंगे, जब तक घर के सामने रोल्स रॉयस ना हो तब तक रुकेंगे नहीं। इस तरह की बचकानी बातों से तुमने अपने जीवन को तरसाया है, क्योंकि ये विचार तुम्हारा है ही नहीं, ये विचार कहीं और से है। अगर तुम अपने जीवन को बराबर से देखोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम पाओगे कि कोई जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि सब कुछ जो तुम्हें दिया गया है वो समाज के द्वारा या किसी और के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। चाहे कोई तुम्हें बोले कि इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, साइंटिस्ट बन जाओ, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाओ, लोगों का भला करो, पहले खुद का तो कर ले। ये समाज के नाम के नीचे समाज खुश होगा तो मैं खुश रहूंगा। तुम सुनते हो भी हो बहुत से लोगों की ऐसी कथा है कि मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत परेशान था, मैं मरने जा रहा था, फिर किसी ने मुझसे कहा समाज को खुशी दे, तुझे भी खुशी मिलेगी, और फिर मैंने इस खुशी बांटना शुरू की। ये टेलीमार्केटिंग की तरह तुम यूज कर रहे हो इस चीज को। तुम हर सामाजिक सेवक के पास जाओ, यही स्टोरी बताएंगे तुमको, मैं बहुत दुखी था, मैं बड़ा परेशान था, मैं तैयार था, वो ना बोल रही थी, फिर मैंने मैट्रिमोनी खोली और फिर सबकी शादियां कराई और खुद संटा घूम रहा है ना, ऐसी बात हो गई वो। इससे क्या होगा तुम्हारे साथ? पहले थोड़ा खुद तो कुछ कर लो, खुद तो खुशी के साथ जी लो, खुद तो आनंद के साथ जी लो। अगर हर इंसान इतना ही तय कर लेना कि मैं अपने आनंद से जीऊंगा, मैं अपने सुख से जीऊंगा, तो हो गई पृथ्वी खुश। समाज के लिए काम करने की जरूरत ही कहां बची अब? और तुम जो समाज के लिए काम कर रहे हो कर भी क्या रहे हो? अंत में तो कोई ना कोई गड़बड़ी चीज तुम्हारे आसपास आ ही जाएंगी, इंटरनेशनल फंडिंग्स आ जाएंगी, तुम कहोगे कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमको पैसा दो, अच्छा काम तुम करो, समाज तुमको पैसा दे, क्यों? ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई, ये ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारा है तुम करो भाई, सीधी बात है। तो लोगों ने तुमको ये सारी की सारी चीजें बताई है दुनिया भर मर में कि अगर तुम दूसरों की भलाई करोगे तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा, और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो सीक्रेट जैसी चीजों के साथ उसको जोड़ देते हैं। दूसरे का भला चाहो वो घूम के तुम पे आएगा, फिर दूसरों को पैसा बांटो तुम्हारे पास घूम के क्यों नहीं आ रहा है? फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज पे कैसे काम कर रहा? और इस तरह की मानसिकता से ना तुम्हें हमेशा एक सवाल गिरता है कि हमने तो सब कुछ अच्छा ही किया अपने जीवन में, फिर मैं इतना दुखी क्यों? ये सवाल सबको है ना? लोग आते हैं मेरे पास पूछते हैं, और ये सेम सवाल हर तबके का आदमी पूछता है। वो कहता है कि जिसके लिए भी जो भी कर सकते थे सब किया, सबको खुशी दी, सबको आनंद दिया, सबके लिए सब कुछ किया, और फिर भी आज देखो हमारी परिस्थिति, सब हमको ही गाली मारते हैं, सब मुझे ही दोष देते हैं, सब मुझे ही तकलीफ देते हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया और हमारा देखो कितना बुरा हो रहा, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा? अगर कर्म का सिद्धांत सही है तो तुम्हारे अच्छे का अच्छा वापस आना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जीवन की सच्चाई क्या कहती है? तुम्हारे जीवन की सच्चाई तुम्हें चीख चीख के ये कह रही है कि जिन्होंने अपने जीवन में हरामीपन किया, जिन्होंने अपने जीवन में गंदा जिया, तुम्हारे हिसाब से, वो जीरा नहीं जीरा वो बाजू में छोड़ो, तुम्हारे हिसाब से जिसने भी खराब काम किए वो बड़ा अच्छा जीरा, उनके बड़े मजे है और सारी की सारी वाट तुम्हारी लगी है। ये सवाल है सबका, है क्यों है? और ऐसा सबको लगता है, यही मजे की बात। तो कहीं बुनियादी भेद है चीजों में, इसको तुम समझो कि जब तक तुम अपने पे थोड़ा काम ना करोगे तब तक बाहर के जीवन में तुम इसी तरह के बेसिक समस्याओं से हमेशा ग्रस्त रहोगे। तुम्हारा जीवन बीत जाएगा और फिर तुम अंतिम इसी क्वेश्चन पे आके रुक जाओगे कि मैंने तो सबका अच्छा किया, मेरे साथ बुरा क्यों? मेरे साथ ही इतने प्रॉब्लम क्यों है? मैं ही क्यों दुखी हूं? मैंने तो सबका अच्छा करने की कोशिश की और अंत में हमें दुखी मिला। इसी समस्या के साथ तुम मर जाओगे और फिर यही सोचते बैठोगे कि भाई
जिए तो क्या जी और क्यों जी। तो फिर बूढ़ा आदमी ना एक बात करने लगता है, वो कहता है किसी से ज्यादा रिश्ते मत बनाना, अपना अपना परिवार, अपने दो दोस्त, भाड़ में जाए दुनिया भाई, अपने को सही रखो, कुछ फायदा नहीं दुनियादारी करके, कुछ फायदा नहीं। बराबर, ऐसा तुमने बहुत बार सुना होगा अपने ही घर में कि कुछ फायदा नहीं है लोगों की मदद करते, अपना परिवार का ध्यान रखो, अपना खुद का ख्याल रखो, कोई फायदा नहीं है लोगों को, लोगों की मदद करके कोई काम में नहीं आता। ये बातें सुनी है घर घर में, सुनी होगी तुम। क्यों हो रहा है सर? कोई तो बुनियादी भेद है, एक तो तुम्हारे करने में भेद है या तुमके बताने में भेद है। मैं कहता हूं कि इसकी शुरुआत तुम अध्यात्म से कर सकते हो। अगर तुम भीतर से खुश हो, बाहर की परिस्थितियां कैसे भी हो, तुम खुश रहो। और जब तक तुम इन चीजों को दो के रूप में देखोगे, तुम हमेशा तड़पोगे, तुम हमेशा तकलीफ में रहोगे। उसका रीजन इतना ही है कि अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बाहर के जीवन में शुरू क्या, क्यों ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। समस्या है कहीं अंदर है। तो जब तक तुम अपने को दो हिस्सों में देखोगे, बाहर का जीवन और अंदर का जीवन, यही मूलभूत, यही बेसिक चीजों से तुम परेशान रहोगे। एक ही उपाय है कि तुम अंदर से भी आनंदित रहो और बाहर से भी अच्छे से जियो। तो स्पिरिचुअलिटी और बाहर का जो जीवन है उसको मैं अलग देखता ही नहीं। कोई आदमी 24 घंटा ध्यान नहीं करता, कोई कहीं हिमालय पे भी बैठ जाए भाई थोड़ा टाइम उठेगा, बाहर जिंदगी में आएगा, कुछ खाएंगा पिएगा, कपड़ा पहनेगा, नहाएगा धोएगा। तो अगर ये मिथ है तो ये मिथ में काहे को, मिथ में जी रहे तो स्नान काहे को कर रहे, ये तो मिथ हुआ ना। और जो लोग ध्यान करते हैं और बोलते हैं कि नहीं ध्यान करने से हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो उठते क्यों हो? बैठे रहो ध्यान में, 24 घंटे ध्यान में बैठे रहो। अगर तुम ध्यान से उठ रहे हो, इसका एक ही मतलब है कि बाहर ऐसी कोई तो भी चीज है जो तुम्हें बाहर मोहित कर रही है ध्यान से भी ज्यादा। सीधी बात है, वरना तुम क्यों करोगे? अगर तुम यहां से बाहर जाते हो, खाना खाते हो, कोई होटल में जाके खाना खाएगा ऐसा उत्साहित रहता है, और घर में खाना मिले ऐसा उत्साह है, ठीक है जो आया खा लिया। और जैसे ही बाहर जाने का, बाहर से कुछ खाना मंगाने का अगर तय हुआ, कैसा उत्साहित हो, यार ये मंगाएंगे वो मंगाएंगे। मतलब घर से, घर में बना हुई चीज जो है वो उत्साहित नहीं करती तुम्हें, बाहर की बनी हुई चीज उत्साहित करती है। इसका सीधा सा मतलब है बाहर का खाना पसंद है। तो अगर भीतर में तुम बैठने के बाद तुम्हारे साथ अगर ध्यान में कुछ हो भी रहा है, उसके बावजूद तुम अपने आंखों को खोल के बाहर के जीवन में लग रहे हो, तो जरूर बाहर में कुछ, अंदर सोना और बाहर हीरा होगा, इसलिए तो बाहर उठ रहे हो तुम, वरना कोई जरूरत नहीं है उठने की। ऐसे कैसे अब कहा गया? तो ये बुनियादी भेद है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम 24 घंटे ध्यान में रहो। और जिनको मिला उनके जीवन को जरा देख लो, वो बाहर भी जी रहे अंदर भी जी रहे। और अगर पता ही चल गया कि सब सपना है तो अब डरना क्या उससे? अब पता ही चल गया कि सब मिथ्या है तो भागना क्या उससे? अब फिर तो तुम सपने को रंगाते हो और अच्छे से जीते हो और मजे से जीते हो और प्यार से जीते हो, पता ही है सपना। अगर कोई एक्ट तुम प्ले कर रहे हो तो तुम तो यही चाहोगे ना, तो जितनी गहराई के साथ उस कैरेक्टर को तुम प्ले करो उतना बेहतर। जानते तो सब है कि ये सब एक्ट चल रहा है, प्ले चल रहा है, लेकिन जो जितना गहराई के साथ उसको कर दे, तुम कहते हो क्या एक्टर है। तो जिसने ये जान लिया कि सब मिथ्या है, वो तो बेस्ट ऑफ द एक्टर बनेगा भाई, वो पीछे नहीं हटेगा उन चीजों को जीने के लिए, वो जान चुका बचा क्या। उसी तरह से जीवन को जीने की सिंपल कला यही है कि इन दो चीजों को तुम अलग ना समझो। ये दोनों चीजें तुमसे ही जुड़ी है। भीतर में तुम्हारा अध्यात्म है, बाहर तुम्हारा विज्ञान है। अगर तुम विज्ञान को डेवलप नहीं करोगे तो विज्ञान का विरोध करने वाले लोग पहले तो खाना पीना छोड़ दे, क्योंकि उसी विज्ञान के साथ तुम आज इतने बड़े पैमाने पर खेती कर पा रहे हो उन्हीं टेक्नोलॉजीज के साथ। जो लोग बाहर की दुनिया को नाम रखते हैं, गाली देते हैं, ट्रेन का सफर छोड़ दे, टीवी यूज करना छोड़ दे, मोबाइल यूज करना छोड़ दे, वो नहीं करेंगे। वो तो सब यूज करना है, इसी मोबाइल पर वीडियो शूटिंग करके उसी वीडियो, उसी विज्ञान को बनाने वाले को गाली भी मारनी है कि अरे रे बाहर सब खराब कर दिया, विज्ञान ने पूरी धरती को तबाह कर दिया, कलयुग ला लिया ये। अच्छा, विज्ञान में इतनी ताकत कलयुग ला ली, और तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे मंत्रों से भगाया क्यों नहीं कलयुग? पश्चिम के लोगों को गाली देने में बड़ी मजे आती है कि इन्होंने सब खराब कर दिया, इनकी संस्कृति ने हमारे संस्कृति को बर्बाद कर दिया। मतलब क्या है, उनकी संस्कृति इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल है कि तुम्हारी संस्कृति को खत्म कर दिया और तुम कुछ कर भी ना पाए। ऐसी बेसिक चीजों से हमने खुद को हमेशा बचा के रखा है। हमने इन चीजों पे, हमने कारण नहीं ढूंढे, हमने हमारा दोष दूसरों पे मढ़ दिया। वो वैसे ही है जैसे तुमने कहा कि नहीं भाई मैंने तो सबका अच्छा किया, मेरा ही बुरा बुरा हुआ।
कभी अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, कभी अपने निर्णयों के बारे में नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि कहीं मैं भी तो गलत हो सकता हूं। ना ना ना, इसमें तकलीफ है और तुम तकलीफ से जाना नहीं चाहते, इसलिए दूसरों का, दूसरे, मेरी हालत दूसरों के कारण है सर। पति ऐसा करता है, बच्चे वैसे करते हैं, खानदान ऐसा करता है, समाज वैसा करता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं बताता हूं, मर जाओ। ये क्या जा? तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय, मर जाओ और क्या करो, कुछ बदल नहीं रहा, मर जाओ। पृथ्वी पर बेकारण जीने का कोई रीजन नहीं है फिर तुम्हारे लिए बबलू। और अगर तुम में हिम्मत है तो खुद को बदलो, तुम ऐसे बदलो कि पूरी दुनिया के लिए एक आईने की तरह बन जाओ, तुम ऐसे बदलो कि तुमसे सुगंध निर्मित हो। और वही सही तरीका भी है, मरना क्या है, मरोगे वापस आओगे, उसमें कोई, लेकिन अगर जीना ही है तो ऐसे जियो, सुगंध से भरे, प्रेम से जियो, अपने भीतर से जियो, तो कुछ फायदा है। वरना सब जो कर रहे अंतिम तुम पाओगे, जैसे ही तुमने सबका सुनना शुरू किया तुम्हारा भी अंत वही है जो तुम्हारे आसपास की बूढ़ों बाड़ों का होगा, क्योंकि तुम उनके सुन के कर रहे। तो एक बात मेरी याद रख लेना, डॉट लिख कर रख लेना कहीं पे, हाथों पे लिख लेना अपने मोबाइल पे, मेरी सारी बातों को भूल जाना, लेकिन एक इस चीज को याद रखना कि सलाह उसी से लेना जिसके जैसा तुम जीवन जीना चाहते हो। हर रास्ते पर, हर चौराहे पर तुम्हें सलाह देने वाला मिलेगा, हर बच्चा, हर छोटा बड़ा तुमको बुला बुला के बताएगा ऐसा क्या कर रहा, ये कर वो कर, आए हाय उसका जिंदगी देख। जिसके जेब में 100 रुपए नहीं वो तुम्हें ये बता रहा है कि करोड़ों कैसे कमाना, जिसके पास कुछ नहीं है वो तुम्हें बताएगा कि जिंदगी ऐसी है वैसी है, फलाना है ढिमकाना है, ये करो वो करो। उसके खुद के जीवन को तुम देखो, वो खुद नरक में सड़ रहा है, वो तुम्हें क्या स्वर्ग का दरवाजा बताएगा। तो बेटा याद रख लेना, अपने जीवन में सलाह उसी से लेना जिसके जैसा तुम जीवन जीना चाहते हो, वरना लेना मत। क्योंकि अपने देश में हर कोई, अपने देश में क्या, दुनिया में हर कोई सलाह बांटने के लिए बैठा है, और इन सलाहदारों से थोड़ा बच के ही चलना। मैं तुमसे कहता हूं ईमानदारी से कि जीवन में हर चीज इंपॉर्टेंट है। कृष्ण बड़ी प्यार से इस चीज को समझाता था। कृष्ण कहता था कि समता, कि आध्यात्मिक आदमी कौन, योगी कौन, तो जो समता से जिए, जो किसी चीज का अतिरेक ना करे। तुम ध्यान भी कर रहे हो तो सही से कर, जीवन भी जी रहे हो तो सही से। उसने क्या नहीं किया, कृष्ण के जीवन को तुम देखोगे तुम डर जाओगे। और अगर तुमने उसको भगवान का किताब नहीं दिया, तुमने ये नहीं कहा कि वो तो अवतार है वो कुछ भी कर सकते हैं, इस इंसान को तुम गाली मारोगे, इस इंसान से तुम डरोगे। अगर बाहर के जीवन में, अभी के जीवन में कोई इंसान तुम्हें मिला जो कृष्ण जैसा है, तुम्हारे फटके हाथ में आ जाए, तुम बोलो, तुम गाली मारोगे इस इंसान को, तुम बोलोगे अरे रे रे ये भरोसे का इंसान नहीं, क्या कर रहा है ये किसी को भगा के ला रहा, शादी कर रहा, एक प्रेमिका भी है, ये राजकारण भी कर रहा, ये युद्ध भी कर रहा, ये युद्ध को रोक सकता था फिर भी इसने कहा नहीं नहीं मार। तो फिर कृष्ण तो गलत हुआ इन हिसाब से। जो लोग तुम्हें बता रहे हैं कि जीवन अलग है अध्यात्म अलग है, जीवन को छोड़ने के बाद अध्यात्म मिलेगा, तो जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं, इनसे युद्ध करने से बेहतर तो है सखा कि मैं सब छोड़ के सन्यास लेके निकल जाऊं, और कृष्ण ने क्या कहा, क्या भगोड़े बना मत कर, तेरा काम है युद्ध करना तो युद्ध कर। तो फिर कृष्ण तो गलत, एक ही सेंटेंस कृष्ण का काफी है इस चीज के लिए। कृष्ण ने कहा ये तेरा धर्म है कि तू अब युद्ध करे, बाकी छोड़, आध्यात्मिक बड़बड़ छोड़ दे, जो बात समझ कि तू योद्धा है और तेरा काम है युद्ध करना, धर्म के साथ युद्ध कर और बात खत्म। और कृष्ण तो उसको भी कह सकता था हाँ बेटा हाँ ये ले भगवा पहन चल मेरे पीछे हरे नाम करते बैठ, हरे कृष्ण करते बैठो तुम भी, हरे कृष्ण जीवन को छोड़ के, उससे क्या मिलेगा, वैकुंठ किधर है, मरने के बाद आए हाय मैं भी बना था एक स्वर्ग नरक तुम्हारे मरने के बाद, इन्वेस्ट करते बैठो तुम है ना। तो आश्रम के पास तो स्कीम भी है, अपने पास स्कीम है, बेस्ट ऑफ द स्कीम है। स्कीम ऐसी है कि तुम हर महीना 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो आश्रम में, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए एक मस्त संगमरमर का महल बनाया जाएगा, सुपर मॉडल तुम्हारे अस्थियों की सेवा करेगी, दुनिया भर के नौकर चाकर आसपास रहेंगे, गंधर्व गाना बजाएंगे, माइकल जैक्सन डांस करेगा है ना, श्री अपना पेटी बजाएगा, दूसरा श्रीधर तबला बजाएगा,
और ऐसा पावन जगह पे तुम्हारी अस्थियों को रखा जाएगा कि आया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई नहीं जानेगा, तुम्हारे परिवार तक को उसको देखने की इजाजत नहीं दोगे। तो फिर ये अच्छे और बुरे के नाम पे जो तुम कर रहे हो, ये स्वर्ग और नरक के नाम पे जो तुम कर रहे हो कि अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये है क्या? ऐसा कौन है जिंदा इंसान जो वापस आके जिसने बताया कि हाँ मैंने स्वर्ग देखा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा कौन है जिसने वापस आके बताया कि हाँ भाई मैं वैकुंठ में बैठा? ऐसा तो कोई नहीं है। तो कहाँ है वैकुंठ? तो कैसे बहके बहके बातें कर रहे हो तुम? जो यहां नहीं हो सकता, जो इस शरीर में नहीं हो सकता, जो इस जीवन में नहीं हो सकता, वो कहीं नहीं हो सकता। जो अब नहीं हो सकता वो कहीं नहीं। अगर वैकुंठ की बात सच है तो झूठा है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ने वैकुंठ के बारे में तो कुछ नहीं कहा, और ज्ञानेश्वर ने नहीं कहा, ना तुकाराम ने कहा, ना नानक, ना मीरा ने तक नहीं कहा, जिसने जीवन भर कृष्ण कृष्ण किया। ये नया स्वर्ग है, क्योंकि अब लोग स्वर्ग नर की भाषाओं से उब चुके, अब वैकुंठ है। अब मैं बोल दू तो बोलोगे भगवा डाल के खुद के धर्म की बात कह रहा है। अरे बात जो गलत है वो गलत है, धर्म की बात कहा है या? जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। गर्दन कट जाए मैं सही झूठ गलत बोलने से डरूंगा नहीं, सही कहने से डरूंगा नहीं, जो है वो है। ये तो लॉलीपॉप है बस और कुछ नहीं। मृत्यु के बाद तुम्हें कुछ मिलेगा, इसके लिए तुम जीवन को छोड़ रहे हो, तुम पाखंडी हो। जो मिलेगा यही मिलेगा, जो मिल सकता है वो यही मिल सकता है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम LIC की पॉलिसी भरो और मरने के बाद तुम्हारे अस्थियों को तुम्हारी कब्र पर चार लोग रखे जाएंगे साफ सफाई करने के लिए, उसी दिए गए पूरे के पूरे इंस्टॉलमेंट्स के आधार पर। तो सामने वाले को चप्पलों से मार के भगाओगे तो भगाओगे ना, बच्चों तक का नहीं मिलेंगे तुम्हारे। तुम्हारा पाप पिन तुम्हारा है, तुम माला जपो वैकुंठ तुम जाओ। जानिएगा तुम चलते सब ठीक है। तो इस तरह से जीवन की कोई भी शाखाओं को मत चुनना। बात बस इतनी सी है कि जीवन जीने के लिए, अगर तुम जीवन को पूरी तरह से जियोगे अच्छे से अपने कर्मों के साथ, जैसे कि कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने बड़ी प्यारी बात कही, कृष्ण ने कहा कि समत्वम, कि जो समता से जीवन को जिए, जो अतिरेक में ना जिए, वही साधक है, वही सच्चा योगी है। कि जो खाए भी तो सम्यकता के साथ, जिए भी तो सम्यकता के साथ, हर चीज उसने सम्यकता के साथ की, और वो वही जिया जो उसने बोला। तो किसी भी जागरूक इंसान का जीवन ही उसका संदेश है, और कोई संदेश नहीं अलग से। तो राम मुझे बड़े पसंद है इस हिसाब से, क्योंकि राम ने कोई संदेश दिया ही नहीं, राम ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश। वैसे जिए ही वो कि उनका पूरा जो जीवन है वही उनका संदेश बन जाए। कोई राम के नाम की अलग कथा नहीं है, कोई उनकी किताब नहीं है। और कृष्ण के भी जीवन को तुम देखोगे तो वो उसने हर चीज में खुद को खोला, हर डायमेंशन में वो जिया, और बावजूद उसके उसके साथ परमात्मा भीतर बैठा था, उसने खुद उस चीज का अनुभव किया था। तो वो जो बोल रहा है वो जी रहा है, बात बड़ी साफ है। क्योंकि तुम वो कर रहे हो जिसका कुछ लेना नहीं देना नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम कर क्या रहे हो। तो इन चीजों में मत अटकना, दुनिया तुमसे अलग नहीं है। दुनिया को जीना, अपने जीवन को सही तरह से जीना, तुम्हें अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए बड़ा काम आएगा। ये दोनों एक ही है। जैसे तुम एक घंटा अपने व्यायाम करते हो तुम्हारा शरीर सही रहेगा, वैसे ही एक घंटा अगर तुम अध्यात्म को दे दोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी यात्रा वहां पर भी शुरू हो गई। तो इन चीजों में तुम जितना कम अटकोगे तुम पाओगे कि तुमने अपने जीवन को उतने ही सरलता के साथ, खूबसूरती के साथ जीना शुरू किया।